पति से अवैध संबंधों के शक में एक महिला ने गांव में ही रहने वाली एक अन्य महिला और उसके दो बच्चों को कुएं में धकेल दिया। कुएं में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं महिला की जान आसपास के लोगों ने बचाई। महिला को घायल हालत में चिचोली अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम कान्हे गांव में मंगलवार शाम की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम कान्हे गांव निवासी महिला संगीता गांव में बाजार के लिए मंगलवार शाम को गई थी, यहां से वापस आ रही थी। गांव के ही पास मक्का बाड़ी में पहले से ही घात लगाकर बैठी पिंकी ने संगीता के आते ही उसे कुएं में धकेल दिया। संगीता के साथ उसके दो बच्चे 4 वर्षीय बालक और 1.5 वर्षीय एक बालिका गोद में थी। महिला ने संगीता को धकेलने के बाद 4 वर्षीय बच्चे को भी कुएं में धकेल दिया। दोनों बच्चे कुएं में गिर गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। वहीं बच्चों की मां संगीता कुएं में पेड़ से अटक गई, जिसके बाद भी पिंकी ने महिला को पत्थर से ऊपर से मारा, जिससे संगीता के सिर में चोट आई है। बच्चों को और महिला को धकेलने के बाद पिंकी मौके से फरार हो गई। संगीता ने झाड़ में अटके होने के दौरान चिल्लाई, जिससे गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और संगीता को निकाल लिया। वहीं दोनों बच्चों को कुएं से अभी भी नहीं निकाला जा सका है। मौके की जांच के लिए पुलिस कान्हे गांव पहुंची है, वहीं आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को शक था कि उसके पति के संबंध संगीता बाई से हैं, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो बहू को भी डाला था, तीनों को डाला था, बाकी वो बहू चिल्लाने लगा तो चिकली वाले। कितने बजे की घटना होगी? 6 बजे की बात है ये, शाम के 6 बजे। तो इधर से यहाँ से मेहमान जा रहे थे, हमारे यहाँ चिकली वाले आए थे, मेरा साला और मेरा भांजा, तो वो यहाँ से मोटरसाइकिल पैदल निकले, तो यहाँ चिल्ला रही थी मेरी बहू, ये बच्चों की माँ, तो उन्हें आवाज़ सुनकर यहाँ पे अल्लाह किया भाई, वहाँ कुएं में कोई आदमी गिरा है, तुम जाओ निकाल लो। जितना बताया फिर गए वो हमारे गांव में घर में, वहाँ पे बीच गांव में, तो उसने बोला अरे यार मामा जी, बोले वहाँ कोई रो रही यार, वो चिल्ला रही, तो जाओ तुम देख लेना। तो फिर मेरा बड़ा लड़का ने फोन को आए, ये बाकी ये आए थे, मैंने फिर निकाले मेरे बहू को, बहू को ले गया अस्पताल में, निकल गए और पूछे कि कहाँ गए, तो बोले तो बाजार, बस इतने बोला। और वैसे दिखा दिया मैं इधर इस साइड खड़ा हो गया और वो ये साइड, तो ऐसे दिखा दिया, मेरे को बोलने भी नहीं दिया। और मेरा लड़का ऐसे खड़ा था आगे, वो चिल्लाते चिल्लाते इधर नानी को, उसको नानी को बस जा रहे थे, उसको भी यहाँ तक पहुँची थी होगा वो, उसके पीछे दौड़ के और उसको भी पकड़ के और ऐसे उठा के डाल दिया। ये यहाँ जा रहे, उसको पकड़ के मैं टंगी थी, मेरे बच्ची और मैं, लेकिन वो लड़का को डाल दिया नीचे, तो वो नीचे चले गए, मैं ऊपर टंग रही थी, वो पैर पत्थर मार मार के नीचे गिरा दिया, मुंडी पे 2 पत्थर लगे और आँख में वो पकड़ी थी डंडा को, वो झाड़ को, तो एक पत्थर मारे तो आदमी छूट गया, आपका हाथ छूट गया। हाँ, ये यहाँ झाड़ को पकड़ के रखी थी, एक झाड़ को तो पत्थर में मार दिया तो आँख को लग गई, वो फिर छूट गई। उसको ज्यादा मत मालो, मत मालो, दवाई दी होगी ना। फिर आया शाम को, मेरे को पहले मेरे को बच्चों को फेंक दिया, बोला फिर एक साए हर बार कुछ नहीं हुआ, फिर चुपचाप रोने लग गया उसको, पूछा क्यों मेरे को क्या किया था तेरे को, मेरा बच्चों ने यह पूछा, उसने कुछ नहीं बताया, वो बोल रहे थे कि तेरे बच्चों ने तूने कुछ नहीं किया, बोला लेकिन बहुत मैंने पूछ लिया कुछ नहीं बताया। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरा नाम संगीता है, कान्हे गांव पे रहती हूँ। एक भाई आया तो दफा दी, पहले मेरे को दफाई और बाद में लड़का, लेकिन मैं तो जार को पकड़ लिया, अटैक गए लड़की के साथ, लेकिन लड़का नीचे फेंक दिया होता, चले गए खाली, भाग रहे थे तो उसको पकड़ के ला लिया। और फिर हाँ, क्या हुआ, क्या नाम है जिसने तुम, उसका पिंकी नाम है। अच्छा, क्या बात को लेकर तुम्हारा लव, क्या झगड़ा? झगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पहले से शक करती है हमारे। क्या शक करती? कि हमारे पति से बोलती चाहती है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हम तो उस वो लड़का को बोलते भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं है। और कितने बजे की घटना है? 6 बजे के शाम।
शाम को। फिर कैसे तुमको पता लगा? मैं चिल्लाई तो एक चाचा आए थे गाँव का, तो वो नहीं कुआ में करके चिल्लाए तो मेरे यहाँ ऐसे बोल रहे थे, वो रस्सी लेके आए और सबको बुलाए तो निकाला। सर ये कानेगांव में एक घटना हुई है, दो बच्चों को कुएं में गिरने से मौत हुई, क्या है सर मामला? ये मामला ये है, कल शाम के 6 बजे करीब संगीता हुई के कानेगांव के रहने वाली है, ये अपने दोनों बच्चों के साथ, एक बच्चे का नाम चार अंशु है जिसकी उम्र 4 साल है और उसकी लड़की है 1.5 साल की अंशिका, तो ये बच्चों के साथ बाजार करके वापस अपने घर जा रही थी, तो घर जाते वक्त रास्ते में मानो धुरे का खेत है, उस खेत में एक कुआं बना हुआ है, तो उस कुएं के पास में उसी गाँव की एक महिला है पिंकी उइके, पिंकी कुमरे उसको मिली और उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई और पिंकी कुमरे ने इस महिला को धक्का दे दिया कुएं में, और जिससे कि वो अपने डेढ़ साल की बच्चे के साथ कुएं में गिर गई, तो उसके बाद उसके बच्चे अंशु को भी इसमें कुएं में धक्का दे दिया, तो ये तीनों कुएं में गिर गए थे, जैसे तैसे गाँव वालों ने आवाज़ आवाज़ सुन के महिला को तो बाहर निकाल लिया, परंतु इन दोनों बच्चों की कुएं में डेथ हो गई थी पानी में डूबने से। हमको जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, रेस्क्यू वगैरह किया हम लोगों ने, आज सुबह इन दोनों बच्चों का कुएं से शव बाहर निकाल के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, क्योंकि कुमरे जो महिला है उसको भी अरेस्ट कर लिया है हमने और उसे आगे पूछताछ करके मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं।